जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। शिवरात्रि के व्रत को एक सरकारी अध्यापक ने अंधविश्वास बता दिया और सरकारी अध्यापक के खिलाफ अंधभक्तों का जमात खड़ा हो गया। धरना प्रदर्शन किया और सरकारी अध्यापक को झुकना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि एक सरकारी स्कूल के टीचर का शिवरात्रि व्रत को अंधविश्वास बताने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल गरमाने पर टीचर ने माफी मांगने की बात कही। इस पर ग्रामीण सहमत भी हो गए, लेकिन पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने पर वह बाहर नहीं आया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक श्री गंगानगर के गांव भगवानगढ़ के सरकारी स्कूल के टीचर इंद्राज मेहड़ा का शिवरात्रि व्रत को अंधविश्वास बताने का एक ऑडियो वायरल हुआ था। टीचर के गाँव 15 SGR के एक पेरेंट्स ने बातचीत की। इसमें पेरेंट्स टीचर के शिवरात्रि व्रत को अंधविश्वास बताने का विरोध कर रहा है। टीचर का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मामले को लेकर सुबह से ही गांव के लोग स्कूल के आगे एकत्र हो गए थे। गांव वालों ने टीचर के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना था कि पूरे मामले में संबंधित टीचर को माफी मांगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन और माहौल गरमाने को देखते हुए दोपहर से ही संबंधित टीचर ने माफी मांगने का प्रस्ताव भी दे दिया। इस पर ग्रामीण सहमत हो गए। मामले में तनाव बढ़ता देख टीचर इंद्राज मेहड़ा ने माफी मांगने का फैसला किया। वह स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बाहर आया। ग्रामीणों ने गांव के ग्वार में माफी मांगने की बात कही। टीचर सहमत हो गए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने से मना कर दिया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि गांव में जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष के चुनाव है। ऐसे में टीचर बाहर माफी मांगने आता है और ग्रामीण भड़क जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होगी। यह सुनकर टीचर वापस स्कूल के अंदर चले गए। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और अंधभक्तों में काफ़ी उबाल आ रहा है। अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। हम आपको बता दें कि शिक्षक अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला होता है और शिक्षक समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे बुद्धिजीवी शिक्षक को सम्मानित करना चाहिए था। एक शिक्षक ने बच्चे में वैज्ञानिक सोच पैदा करने व तर्कशील बनाने के लिए जो कदम उठाया वह वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे कदम उठाने वाले शिक्षक सजा के हकदार नहीं, सम्मान के हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ अंधभक्तों की जमात अधिक होने के कारण बेचारे टीचर को झुकना पड़ा और माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।